हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू जादौन और आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी 19,000 की मशीन है जिसको लगाकर आप अपना लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं और इस मशीन से बनने वाले प्रोडक्ट पे कभी बैन भी नहीं लगेगा और ऑलवेज चलने वाला प्रोडक्ट है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें जिससे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भट्ट बालाजी इंडस्ट्री में। भट्ट बालाजी इंडस्ट्री जो है मशीनरी पर डील करती है जिसमें स्लीपर मेकिंग मशीन, डोना मेकिंग मशीन, लेमिनेशन मशीन, धूप मशीन, अगरबत्ती मशीन, कॉटन मिल मशीन पर डील करती है। आइए जानते हैं किस मशीन का क्या प्राइस रहता है और किस मशीन में क्या चीज किस तरीके से बनती है। हमारी जो पहली मशीन है वो है स्लीपर मेकिंग मशीन। ये सेमी ऑटोमेटिक स्लीपर मेकिंग मशीन है जिसके सेटअप में हमारा रहता है पावर प्रेस, होल कटिंग मशीन, ड्रिलर, ड्रिलिंग मशीन, ब्रेंडिंग मशीन, स्टैम मशीन, मैनुअल प्रिंटिंग बोर्ड और डाइया। ये जो इसका कंप्लीट सेट है पावर प्रेस मशीन का, कंप्लीट सेट हमारा 15 टन पावर प्रेस कंप्लीट सेट 86,000 रुपये का होता है। इसके बाद स्लीपर में इससे कम रेंजिंग में मशीन आ जाती है हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन में भी सेम प्रोसेस रहती है जिस तरीके से इसमें ऑटोमेटिकली सोल कटिंग होती है, इसमें जो होती है मैनुअल हाइड्रोलिक हमको सोल कटिंग होती है जिसमें हमको इस तरीके से पंप चला के इस मशीन को चलाना होता है। इस मशीन में हम सोल कटिंग के बाद ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग और स्टेप फिक्सिंग की स्टेप जो है वो सेम रहते हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारी रेंज आ जाती है वो मैनुअल मशीन की आती है। मैनुअल मशीन की जो रेंज है केवल 20,000 रुपये की मशीन है। 20,000 रुपये का इसका कंप्लीट सेट है जिसमें आपकी इस मैनुअल सोल कटिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, स्टेप टूल, मैनुअल प्रिंटिंग बोर्ड और 10 डाइया रहती है। और इसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से डोना मेकिंग मशीन में रहती है और किस टाइप की रहती है। पहली जो हमारी डोना मेकिंग मशीन है वो सिंगल टाई डोना मेकिंग मशीन रहती है जिसका प्राइस 30,000 रुपये रहता है। इसके बाद हमारी डबल टाई डोना मेकिंग मशीन आ जाती है जिसका प्राइस हमारा 55,000 रुपये रहता है। इसमें हम 4 इंच के डोने से लेके 14 इंच की थाली तक सब कुछ बना सकते हैं। डिस्पोजल आइटम, अभी फाइबर आइटम बैन होने की वजह से ये काम बहुत ट्रेंडिंग में है। तीसरी मशीन जो आती है वो कॉटन मिल की मशीन आती है। चौथी मशीन आती है हमारी धूप की मशीन। पांचवी मशीन हमारी आती है अगरबत्ती की मशीन। इस तरीके से सारे बहुत सारे लघु उद्योग की जानकारी हम बार बार इस चैनल पर देते रहते हैं और आज जो हमारा मेनली फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है स्लीपर मेकिंग मशीन पे। इसके बाद हम दिखाते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन की किस तरीके से वर्किंग रहती है। आइए देखते हैं किस तरीके से सेमी ऑटोमेटिक मशीन काम करती है। इस तरीके से हमारी सोल की कटिंग होती है। ये हमारा सोल करके तैयार है। बहुत इजी प्रोसेस होती है। आपको एक पैटर्न मारना होता है और सोल कट के आपकी तैयार हो जाती है। ये सोल का फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। इसके बाद हम जानते हैं कि कैसे इसकी ड्रिलिंग होती है, कैसे इसकी ग्राइंडिंग होती है और किस तरीके से ड्रिलिंग होती है। ये हमारी ग्राइंडिंग हो चुकी है जिससे ये साफ क्लियर लुक आ गई है। ये जो आप फिनिशिंग देख पा रहे हैं, क्लियर फिनिशिंग, ये ड्रिलिंग की ग्राइंडिंग के दौरान आती है ड्रिलर ग्राइंडर मशीन पे। इसके बाद देखते हैं कैसे ड्रिलिंग होती है। इस तरीके से ड्रिलिंग होती है, इसे ड्रिलिंग करना या काउंटर करना कहते हैं। जैसे हम स्ट्रैप को बिठाने के लिए इसको करते हैं। ये हमारी ड्रिलिंग से स्लीपर तैयार हो चुकी है पूरा पेयर। इसके बाद हम दिखाएंगे कि कैसे स्ट्रैप फिटिंग होती है। ड्रिलिंग ग्राइंडिंग के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रैप है हमारा वो है स्ट्रैप फिटिंग। आइए जानते हैं किस तरीके से स्ट्रैप फिटिंग होती है। बहुत इजी स्ट्रैप फिटिंग का, जिसमें हमको डबल साइडेड स्ट्रैप टेबल पे है।
ये हमारा स्लीपर बन के तैयार है। इस तरीके से हमें स्लीपर तैयार करना होता है। केवल चार प्रोसेसिंग होती है इसमें। जैसे आपने देखा, सबसे पहले सोल कटिंग होती है, उसके बाद ड्रिलिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है और स्टेप फिटिंग। इन चार स्टेपों से गुजरने के बाद हमारा चप्पल तैयार हो जाता है। इसके बाद हम बताते हैं रॉ मटेरियल की डिटेल्स, किस तरीके से रॉ मटेरियल होता है, किस तरीके से सीट आती है, सीटों का क्या रेट रहता है, क्या स्ट्रैप का रेट रहता है, किस किस टाइप की मशीन आती है। ये हमने सेमी ऑटोमेटिक मशीन के बारे में बताया। इसके बाद हम आपको बताते हैं हाइड्रोलिक मशीन के बारे में, मैनुअल मशीन के बारे में, और उसके बाद हम आपको बताएंगे सोल और स्ट्रैप की सारी डिटेल। आइए जानते हैं किस तरीके से सोल आती है, क्या क्या सोल की क्वालिटी रहती है, क्या इनके रेट रहते हैं। मैं थोड़ा सा सैंपल पहले दिखाता हूँ, उसके बाद पूरी शीट आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरीके की सीट होती है, किस तरीके के स्ट्रैप होते हैं, किस रेंज में स्ट्रैप रहती है, स्ट्रैप की क्या रेंज रहती है, क्या रेंज सोल की रहती है, क्या साइज रहता है, किड्स, लेडी और जेंट्स सारे टाइप्स के सोल मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरे हाथ में भी सोल है, ये सोल का साइज है 54x38। 54x38 के सोल में 24 पेयर निकलते हैं। इसकी कॉस्ट होती है ₹550। इसके बाद हमारे पास एक सोल आ जाता है, ये लखानी रिलैक्सो की कॉपी होती है। इस सोल का जो साइज है वो 32x42 का साइज रहने वाला है। इसका रेट आपको ₹380 रहने वाला है। इसके बाद में थोड़ा सा स्ट्रैप के बारे में समझाता हूँ और फिर पूरी सीटें दिखाता हूँ आपको। स्ट्रैप जो हमारे पास शुरुआत होती है, ₹5 से शुरुआत हो जाती है। स्ट्रैप की स्ट्रैप ₹5 पेयर ये रहने वाला है। इसके बाद किड्स में हमारे पास आ जाता है, वो भी हमारे पास इस टाइप के जो स्ट्रैप है ये सारे ₹5 पेयर रहने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास स्ट्रैप आ जाती है पीवीसी स्ट्रैप, ये हमारी ₹7 पेयर पीवीसी स्ट्रैप रहने वाली है। इसके बाद हमारी स्ट्रैप आ जाती है रबर स्ट्रैप, ये हमारी ₹9 स्ट्रैप रहने वाली है। इसके बाद हमारी और हमास स्ट्रैपें आ जाती हैं, जो हमारी ₹10 पेयर स्ट्रैप रहती है ना। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की सीट रहती है, क्या इनका साइज होता है। इस तरीके से सीट रहती है, इस सीट का जो साइज है वो 54x38 है और इसका रेट जो है ₹550 है। इसके बाद ये रिलैक्सो की कॉपी आ जाती है, इसका जो साइज है वो 32x42 का साइज है, जिसमें हमारे 18 पेयर निकलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे चप्पल एक्वा प्रेशर वाले जो चप्पल होते हैं, उसे एक्वा प्रेशर या कैप्सूल चप्पल कहते हैं। ये इस टाइप की सीट रहने वाली है, इसका जो साइज है वो सेम साइज है, 54x38 इसका साइज है, जिसमें आपके 24 पेयर निकलते हैं और ये ₹600 की सीट रहने वाली है। इसके बाद आ जाती है 35 पेयर की सीट, ये जो आप बड़ी लंबी सीट देख रहे हैं ये 35 पेयर की सीट है। इसका जो साइज है वो 40x70 का साइज है, हमारे जेंट्स के 35 पेयर निकलते हैं, लेडीज के 40 पेयर निकलते हैं, किड्स के 50 पेयर निकलते हैं और ये हमारी ₹600 से इस सीट की स्टार्ट हो जाती है। ये हमारी 600 से ₹900 तक। मैं आपको दिखाता हूँ पेयर सीटें, ये पर्टिकुलर साइज की आती हैं। जैसे इस पे मेंशन है चार साइज की, लेडीज का चार साइज है, ये प्रॉपर एक साइज का पेयर आता है तैयार। इस पर आपको कुछ नहीं करना होता, डाई रखनी होती है पेयर डाई। मैं आपको डाई भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से पेयर डाई होती है, तरीके से पेयर डाई होती है जो आपको इसके ऊपर से रखनी होती है और ये एक ही बार में आपका पूरा पेयर करके तैयार हो जाता है। पेयर डाई से बहुत टाइप के इसके डिजाइन है, मैं आपको दिखाता हूँ सारे डिजाइन। दिखा पाना पूरी वीडियो में पॉसिबल नहीं है, वो आपको जब आप विजिट के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे तो तब दिखा पाएंगे। मैं फिर भी आपको कुछ सैंपल आपको दिखा रहा हूँ, इस टाइप के डिफरेंट टाइप के सैंपल अलग अलग साइज में ये सारे मिल जाते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फैब्रिकेशन आइटम। फैब्रिकेशन आइटम मतलब इसे हम फैब्रिकेशन आइटम या पेस्टिंग का आइटम कहते हैं, जिसमें हमारा ये ऊपर का सोल रहता है, नीचे की ब्लैक सीट रहती है, इसको हमको पॉइंट से चिपकाना रहता है। ये आपको मैं आपको कुछ डिजाइन दिखाता हूँ, ये है इसके बाद इस टाइप का डिजाइन, ये एक्यूप्रेशर टाइप का डिजाइन है, ये बहुत अभी मार्केट में चल रहा है।
जेंट्स में इस टाइप के डिजाइन आ जाते हैं, इस टाइप का डिजाइन आ जाता है। अधिकतर युवाओं में और बच्चों में इस तरीके से स्लीपर्स का बहुत ज्यादा क्रेज है। जो आदमी चाहता है फैंसी टाइप का स्लीपर पहनना, इसमें आप कपड़े वाली स्ट्रैप भी डाल के पहन सकते हैं, हमास स्ट्रैप डाल के भी पहन सकते हैं, अड्डा स्ट्रैप डाल के भी पहन सकते हैं, रबर स्ट्रैप डाल के भी पहन सकते हैं, पीवीसी स्ट्रैप भी डाल के भी इस तरीके से चप्पलों को आप तैयार कर सकते हैं। रेट छपा रहता है, वो किस तरीके से हमारा रेट छपा रहता है, किस तरीके से हमारा नाम छपता है, वो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ डाइया। इस तरह की डाइया होती है, ये किट्स के 5 नंबर की डाई है, इस पे लिखा हुआ है किट्स से 5। किट्स के 5 नंबर से डाई स्टार्ट होती है और हमारे जेंट्स के 10 साइज तक हमारे पास सारी डाइयां अवेलेबल रहती हैं। ये जेंट्स की 10 नंबर की डाई है। आइए इसके बाद में दिखाता हूँ प्रिंटिंग को, किस तरीके से स्क्रीन प्रिंटिंग के जरिए से हम अपना नाम, लोगो और चप्पल पे MRP, ये चीज मैं आपको मेनली फोकस करके दिखाना चाहूंगा। हम अक्सर चप्पल के ऊपर रेट लिखा देखते हैं, वो रेट किस तरीके से होता है, इस तरीके से स्क्रीन प्रिंटिंग के जरिए उस रेट को छापा जाता है। ये सारी स्क्रीन प्रिंटिंग किट्स में आपने देखा इस टाइप से जेंट्स में रहता है। इसके बाद में आपको देखता हूँ, आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं इस तरीके से, जैसे ब्रांड बना हुआ है RSZ फुटवेयर, इस तरीके से आप भी अपना ब्रांड बना सकते हैं, अपना लोगो बना सकते हैं, अपनी रेट लिस्ट छाप सकते हैं, आपके स्लीपर्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरीके से प्रिंटिंग मोड होते हैं, जिससे आप बहुत अच्छी प्रिंटिंग कर सकते हैं। आजकल आप देखते हैं मोटू पतलू वाले आते हैं और जो भी कार्टून वाले स्लीपर्स आते हैं, उनकी प्रिंटिंग जो है इसी के जरिए से होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग के जरिए से। अब मैं एक छोटी मशीन लेके आया हूँ आपके सामने, ये कॉटन विक की मशीन है, रुई बत्ती की मशीन, जिसमें हम इस तरीके की रुई बत्तियां बना देते हैं, लंबी और गोल, इस पर दोनों रुई बत्तियां बन जाती है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन रहती है, जिसकी कॉस्ट मात्र आपकी 20,000 रुपये रहती है। जो भी मशीनों की मैंने आपको जानकारी दी है, स्लीपर मेकिंग मशीन, ऑटोमेटिक हो, हाइड्रोलिक हो, मैनुअल हो, दोनों की सिंगल डाई हो, डबल डाई हो, कॉटन विक की मशीन हो, धूप की हो, अगरबत्ती की हो, इस तरह की इसकी जितनी भी मशीनें होती हैं, डोने की डाइयाँ हैं, चप्पल की डाइयाँ हैं, ये सारी आइटम हमारी ट्रेडिंग के लिए भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारी मशीन मैन्युफैक्चरिंग है, स्लीपर की मशीन है, डोने की मशीन है, कॉटन विक की मशीन है, ये सब हमारे यहीं पर तैयार की जाती हैं। ये सारी मशीनें आपको ट्रेडिंग के लिए भी अवेलेबल है चीपेस्ट प्राइस पे। प्राइस की हम गारंटी लेते हैं ट्रेडिंग रेट पे, हमारे रेट पे कोई भी अब मार्केट पे सेल नहीं कर सकता, क्योंकि हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। रेटों की और क्वालिटी की हम गारंटी देते हैं, हमारी क्वालिटी जो है वो सर्वोत्तम है, बाजार पे चल रही क्वालिटियों की अपेक्षा। सारी मशीनों पर गारंटी रहती है 1 साल की, ड्रिलिंग पे, ग्राइंडिंग पे, जितनी भी हमारी मशीनें हैं सारी मशीनों पर गारंटी रहती है। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के।